नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नो द थिंग्स में। दोस्तों, आज हम आपको बिसलपुर डैम पर स्थित गोकर्णेश्वर महादेव लेकर चल रहे हैं और सोमवार के इस दिन आप पर महादेव की कृपा बरसाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं बिसलपुर डैम। दोस्तों, आपको पता ही है बिसलपुर डैम राजस्थान के प्रमुख बांधों में से एक है। यह राजस्थान की राजधानी जयपुर, अजमेर, टोंक, ब्यावर जैसे जिलों को पेयजल और सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। 1990 के दशक में बना यह बांध आज भी मजबूती के साथ अपना काम किए जा रहा है। इसी के किनारे पर स्थित है गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। लोग यहां विभिन्न प्रयोजनों से आते हैं। अभी आप बिसलपुर बांध के डाउनस्ट्रीम के दृश्य देख रहे हैं। मरने के बाद शवाग्रह की राख को भी यहां पर लाकर नदी में डालने की मान्यता है। इससे मरने वालों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। यहां सूखा आटा लाकर उसे गीला करकर मछलियों को खिलाने की परंपरा भी। इस बांध की डाउन स्ट्रीम में लोग राख की बोरियों को नाव में लादकर नदी के बीचों बीच ले जाते हैं और वहां इसको नदी में विसर्जित कर देते हैं। जब वर्षा काल में अधिक वर्षा में बांध के गेट खुलते हैं, नदी के प्रवाह से यह सारी सामग्री नदी में बहती हुई अपने अंतिम छोर पर चली जाती है। टोंक जिले के बनास नदी के तट पर गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर है, जो प्राकृतिक वातावरण और पौराणिक इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहां भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त यानी रावण ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक आराधना की। शिव की तपस्या से उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। बिसलपुर बांध के त्रिवेणी संगम पर मौजूद यह मंदिर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बिसलपुर बांध होने की वजह से यहाँ खूब लोग घूमने भी आते हैं। यूं तो पूरे संसार में महादेव के असंख्य ज्योतिर्लिंग हैं, पर प्रमुख रूप से है 12 ज्योतिर्लिंग। इनके अलावा 108 उप ज्योतिर्लिंग, उन्हीं में से एक है गोकर्णेश्वर महाबलेश्वर का ज्योतिर्लिंग। बिसलपुर बांध के पास स्थित गोकर्णेश्वर महादेव का मंदिर प्राचीन काल से ही बना हुआ है। इसकी कहानी भगवान शिव के महान भक्तों में माने जाने वाले रावण से जुड़ी है। यहीं पर रावण ने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की
तपस्या से खुश होके भगवान शिव ने उन्हें आत्मलिंग के रूप में शिवलिंग दिया और यह भी कहा कि जहां तुम इसे रख दोगे वहीं इसकी स्थापना हो जाएगी। और शिवलिंग की स्थापना के साथ ही यह स्थान हमेशा के लिए पौराणिक बन गया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।